स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संदीपनी एजुकेशनल एकेडमी। मैं आज आपको स्टैंडर्ड 8 का जनरल नॉलेज पढ़ाने जा रही हूँ। इसका है हमारा चैप्टर नंबर 8, फेमस पर्सनालिटीज। चलिए जानते हैं उनके बारे में। ये कौन थे? महात्मा गांधी। ये अब्राहम लिंकन। इनका नाम है लियो टॉल्स्टॉय। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये कौन थी? मदर टेरेसा। ये इनका नाम है सर आइजैक न्यूटन, विंस्टन चर्चिल, नेल्सन मंडेला एंड कार्ल मार्क्स। तो ये यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी थी, उन पर्सनैलिटीज के हमें नाम लिखने थे। अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स। एक साइड आपको बुक्स के नाम दिए हुए, एक साइड आपको उनके ऑथर्स के नाम दिए, यानी कि राइटर्स की किसने कौन सी बुक लिखी। तो पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखी? जॉन मिल्टन ने। किसने लिखी? जॉन मिल्टन ने। द ईव ऑफ सेंट एंजेल्स, द ईव ऑफ सेंट एंजेल्स किसने लिखी थी? जॉन कीट्स ने। द टेल ऑफ टू सिटीज, चार्ल्स डिकेंस। टेल ऑफ टू सिटीज किसने लिखी थी? चार्ल्स डिकेंस। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज किसने लिखी थी? थॉमस हार्डी। किसने लिखी थी? थॉमस हार्डी ने। मदर, मदर किसने लिखी थी? मैक्सिम ग्रोकरी, मैक्सिम गोरकी। गुलिवर ट्रेवल्स, गुलिवर ट्रेवल्स किसने लिखी थी? जॉनथन स्विफ्ट। वार एंड पीस, वार एंड पीस किसने लिखी थी? लियो टॉल्स्टॉय ने। किप्स, किप्स किसने लिखी थी? एजी वेल्स। किप्स किसने लिखी थी? एजी वेल्स। ए पैसेज टू इंडिया किसने लिखी थी? ई एम फ्रॉस्टर। ए पैसेज टू इंडिया किसने लिखी? ई एम फ्रॉस्टर। एलाइस इन वंडरलैंड, लुइस कैरोल। एलाइस इन वंडरलैंड किसने लिखी थी? लुइस कैरोल। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज हमारे किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन ने। आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन किसने लिखी थी? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। किसने लिखी थी? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ट्रेजर आइलैंड, ट्रेजर आइलैंड किसने लिखी थी? आर एल स्टीमसन। लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन हमारी जो बुक थी वो किसने लिखी थी? श्री अरबिंदो। प्राइड एंड प्रिजुडियस, प्राइड एंड प्रिजुडियस किसने लिखी थी? हमारी जेन ऑस्टाइन ने। रिपब्लिक, रिपब्लिक किसने लिखा? हमारा कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल, दास कैपिटल किसने लिखी थी? सॉरी, रिपब्लिक, रिपब्लिक हमारी लिखी थी प्लेटो ने। दास कैपिटल किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसने लिखी? हेलन केलर। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, हेलन केलर ने अपनी स्टोरी लिखी थी लाइफ की। द थ्री मस्केटर्स, थ्री मस्केटर्स किसने लिखी थी? अलेक्जेंड्री डूमस। किसने लिखी थी? अलेक्जेंड्री डूमस। थ्री मैन इन अ बोट, थ्री मैन इन अ बोट किसने लिखा? जेरोम के जेरोम, जेरोम के जेरोम। ओके, तो बेटा आपको इन सभी राइटर्स को और उनके बुक्स के नेम्स अच्छे से लर्न करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रेंज बट ट्रू। कुछ चीजें हैं जिन अजीब है, स्ट्रेंज यानी अजीब है, लेकिन ये उनकी सच्चाई है। तो ये फैक्ट्स है, उनके बारे में हम जानते हैं। स्नेक्स नेवर क्लोज देयर आईज एट एनी टाइम, कि स्नेक्स अपनी आईज एक टाइम में क्लोज नहीं करते हैं, कभी भी क्लोज नहीं करते हैं। डॉल्फिन स्लीप विद वन आई ओपन व्हाइल आर्म्स डू नॉट स्लीप। डॉल्फिन अपनी एक आंख खुली रखती है, कब? जब चींटियां नहीं सोई हुई होती है। द मून मूव स्लोली अवे फ्रॉम द अर्थ एट द रेट ऑफ एन इंच पर ईयर। मून जो होता है ना, बहुत धीरे धीरे मूव करता है अर्थ में, एट द रेट ऑफ इंच, मतलब एक छोटे से इंच, पूरे साल में एक इंच जितना सा ऐसे मूव करता है। द अटलांटिक ओशन इज गेटिंग वाइडर, अटलांटिक ओशन बहुत गहरा है, बट द पैसिफिक ओशन इज श्रिंकिंग, पैसिफिक ओशन श्रिंक होता जा रहा है, यानी सिकुड़ता जा रहा है। द स्काई अपीयर्स ब्लू फ्रॉम द अर्थ, स्काई जो होता है आसमान हमें कैसे दिखता है? अर्थ से ब्लू कलर का दिखता है, बट ब्लैक फ्रॉम द मून, अगर मून से देखेंगे ना तो कैसे दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। ए बर्ड नॉन एज मॉकिंग बर्ड, एक बर्ड को मॉकिंग बर्ड का कहा जाता है, एंड इमिटेट द सॉन्ग ऑफ अबाउट 40 डिफरेंट बर्ड्स। उस बर्ड को मॉकिंग बर्ड कहा जाता है जब वो क्या गाती है, 40 डिफरेंट बर्ड्स के सॉन्ग गाती है, उसको बोलते हैं मॉकिंग बर्ड। सिल्क फ्रॉम स्पाइडर्स वेब इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टील थ्रेड एज द सेम थिकनेस, कि स्पाइडर के वेब से जो सिल्क निकलता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है देन एक स्टील थ्रेड, जो एक स्टील के धागे से,
ऑफ द सेम थिकनेस, उसकी थिकनेस सेम ही होती है। नो पीसेस ऑफ स्क्वायर पेपर कैन बी फोल्डेड मोर देन 7 टाइम्स इन हाफ, कि स्क्वायर का एक पेपर है ना, आप उसको ज्यादा से ज्यादा 7 बार हाफ फोल्ड कर सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। द चमेलियन टंग इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बॉडी, जो चमेलियन होता है यानी जो गिरगिट होता है उसकी जीभ उसकी बॉडी से 2 गुना बड़ी होती है। द हिप्पोपोटामस कैन रन फास्टर देन मैन, जो हिप्पोपोटामस है वो एक इंसान से ज्यादा तेज दौड़ सकता है। एंड आउल कैन नॉट मूव हिज आईज, आउल जो होता है वो अपनी आंखें नहीं हिला सकता, बट इट कैन टर्न इट्स हेड अराउंड कम्प्लीटली, लगभग अपना ये हेड जो होता है वो पूरा घुमा लेता है। एट हाउसफ्लाइज लाइफ स्पैन इज 14 डेज, एक हाउसफ्लाई जो होती है उसका लाइफ स्पैन यानी कि उसकी जिंदगी जीने का समय कितना होता है, 14 दिन का होता है, 14 डेज का होता है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, स्पेशलिस्ट इन मेडिसिन, मेडिसिन में जो स्पेशलिस्ट है, चलिए जानते हैं। ए डॉक्टर वो ट्रीट्स इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, जो बच्चों और चिल्ड्रंस को देखता है उनको क्या बोलते हैं, पेडिटेरियन, सी साइलेंट रहता है इसमें। ए डॉक्टर वो ट्रीट्स डिसीजेस एंड डिसऑर्डर इन नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम में जो डिसीज होती है, बीमारियां होती है, कुछ डिसऑर्डर होता है तो उसको कौन देखता है, न्यूरोलॉजिस्ट। ए डॉक्टर वुड ट्रीट्स डिसऑर्डर्स ऑफ बोन्स एंड मसल्स, हमारी हड्डियों की और मसल्स की जो प्रॉब्लम होती है उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं, जो इन सबको देखता है, ऑर्थोपेडिस्ट। ए डॉक्टर वुड ट्रीट्स ब्लड डिसीज, हमारी ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारियां होती है उसको क्या बोलते हैं, हेबेटोलॉजिस्ट। ए डॉक्टर वुड ट्रीट्स एंड लुक्स आफ्टर पीपल्स टीथ, जो लोगों के दांत को देखता है उसको डेंटिस्ट। ए डॉक्टर वो पुट्स पेशेंट इन स्लीप बिफोर सर्जरी, उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं, जो सर्जरी से पहले पेशेंट्स को सुला देता है उसको क्या बोलते हैं, एनाथेटिस्ट। ए डॉक्टर वो ट्रीट्स इलनेस डिसऑर्डर्स ऑफ माइंड, माइंड के बीमारी और डिसऑर्डर को जो देखता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइकेट्रिस्ट, पी साइलेंट रहता है। ए डॉक्टर वो ट्रीट्स एनिमल डिसीज एंड इंजरीज, एनिमल डिसीज और इंजरीज को जो डॉक्टर देखता है, जानवरों के घाव या बीमारियों को, चोट को, उसको क्या बोलते हैं, वर्टिनेरियन, वर्टिनेरियन या छोटा सा बोलते हैं वर्टिनरी सर्जन। ए डॉक्टर वो ट्रीट्स हार्ट अलाइनमेंट्स, हार्ट की बीमारी को कौन देखता है, कार्डियोलॉजिस्ट। ए डॉक्टर वो ट्रीट्स डिसीज एंड डिसऑर्डर इन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है तो कौन देखता है उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोपेनोलॉजिस्ट। ए डॉक्टर वो ट्रीट्स डिसीज बाय सर्जिकल ऑपरेशंस, सर्जिकल ऑपरेशन के समय में जो बीमारी देखता है उसको क्या बोलते हैं, सर्जन। ए डॉक्टर वो ट्रीट्स वुमेन डिसीज, औरतों की बीमारी को देखने वाले को गायनोलॉजिस्ट। ए डॉक्टर वो यूजेस एक्सरे फॉर मेडिकल डायग्नोस, एक्सरे मेडिकल डायग्नोस के लिए मतलब कि मेडिकल जांच के लिए एक्सरे का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेडियोलॉजिस्ट। ए डॉक्टर वो ट्रीट्स डिसीज abnormalities of the urinary tract of the body, हमारी body में जो urinary tract होता है उसमें अगर कोई problem होते तो कौन से doctor देखता है, urologist। A doctor would treat the eyes and their disease, आंखों की disease को देखने वाले को क्या बोलते हैं, ophthalmologist। इसी तरह से next chapter है language skills, इसमें जो गलत word है उसको wrong लगाना है, I am dash to she his news, anxious eager, ईगर यानी कि मुझे जल्दी है उसके घर को देखने के लिए, तो एनेक्शियस रॉन्ग हो गया। आई एम एंग्री एट या एंग्री विद, आई एम एंग्री विद द बॉस नॉट ग्रांटिंग मी लीव, कि मैं बॉस से एंग्री हूं। द थ्री ऑफ अस वर ऑल टूगेदर, थ्री ऑफ अस आर ऑल एल टूगेदर, कि सभी साथ में है ऑफिस में। हेमंत वाज बॉर्न द बर्डन ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉन्ग टाइम, बॉर्न यानी कि वजन मतलब उसके ऊपर बहुत ज्यादा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इसलिए उसके लिए बॉर्न वर्ड आया है। ही केम लेट ड्यू टू द रेन, बिकॉज ऑफ रेन नहीं, वो लेट आया रेन की वजह से। आई डैश हिम फॉर डूइंग सच ए थोरो जॉब, आई कॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंटेड की स्पेलिंग में एल आई वाली स्पेलिंग करेक्ट है, ये रॉन्ग है। आई नेवर डाई माई हेयर, डी वाई ई वाला डाई, डी वाई आई डी आई वाला नहीं, मरने वाला नहीं, कि मैं अपने बाल को कभी डाई नहीं करता। रमेश केम टू स्कूल लेटर देन आई, कि मेरे से बाद में आता है। हिज फादर वाज इल फॉर ए कपल ऑफ इयर्स, कि पिछले कुछ 2 सालों से उसके पिता बीजी बीमार है। व्हाट इज द कॉज ऑफ सैंडस्टॉर्म, सैंडस्टॉर्म आने का कॉज क्या था, कारण क्या था। ए गुड लॉयर हैज अ प्लेंटी ऑफ क्लाइंट्स, गुड लॉयर के पास क्या होने चाहिए, क्लाइंट्स होने चाहिए ना कि कस्टमर्स। आई हैव टू लर्न ए पोयम बाय हार्ट, हनी फॉल्ट ए टो ऑफ द राइट फुट, तो राइट फुट का क्या होगा, फिंगर नहीं होती, टो होगा। ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू
His hat, a strong wind, strong air नहीं, strong wind बोलते हैं. It is said that riches have या has. Riches have ज़्यादा है तो have आएगा. Riches have wings. Billiard या billiards. Billiards is a very difficult game. Billiard नहीं बोलते, billiards बोलते हैं. Suresh as well as Mukesh are going या is going. Is going.